वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमैरा खान। तो मेरी ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। सो मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज लाइक भी कर दें। और अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो जो टेंसेस की है पार्ट वन उसको जरूर देख लें, अदरवाइज दिमाग में ना फंबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। इस तरह बताया था मैंने कि जो टेंस होते हैं, टेंस मतलब काल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, वो सारी बातें जिसमें लास्ट में है आए। प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैंने अपनी पहली वीडियो को जो मेरी प्लेलिस्ट में भी है आप, उसमें मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट के बारे में करा चुकी हूँ, जिसमें पूरा इलेबरेट करा दिया मैंने, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कराऊंगी, सिर्फ ये उसी के बारे में है। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसके लास्ट में है तो आ रहा है, तभी तो प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन इसमें काम हो गया है, मतलब काम हो चुका है लेकिन अभी अब हुआ है। जैसे कि खाया, दिया, सोया है, ठीक है ना, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एग्जांपल दूंगी, मैंने खाना खा लिया है, लास्ट में है आ रहा है और खाना खा लिया, अभी अभी खाया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मिसाल है। ठीक है, तो रूल्स लिख दीजिए। रूल नंबर वन ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बस। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसकी हम जो सेंटेंस होते हैं वो भी होते हैं, जाता हूँ, खाता हूँ, इसमें लिया है या दिया है या खाया है। ठीक है, रूल नंबर वन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, हर वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे कि ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ये पूरी की पूरी टेबल होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। वर्ब तो पता है काम ही होते हैं। रूल नंबर टू, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। और रूल नंबर टू थ्री, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। अब ये हैज हैव का मसला क्या है, हैज और हैव सेम ही होते हैं, जैसे कि डोंट और डज होता है, सेम ही होते हैं, दोनों का मतलब ही होता है, लेकिन ही शी इट के साथ हैज, इफ यू दे प्लूरल के साथ है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ही शी इट के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, उसने एक मूवी देखी है, मतलब उसने देख लिया है, प्रेजेंट ही मिसाल है, तो शी लगाऊंगी, लड़का लगा रही हूँ, शी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब देखना का क्या होता है, सी होता है, सी की थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन, शी हैज सीन अ मूवी। ठीक है, शी हैज सीन अ मूवी, उसने एक मूवी देखी है। अगला एग्जाम्पल मैं सेट करती हूँ, मैं स्कूल गई हूं, मैं मतलब आई, आई के साथ क्या आता है, आई वी यू दे हैव के साथ दे प्लूरल के साथ हैव आता है। आई हैव गई मतलब गो, गो की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। ये वही सेंटेंस है कि जब मेरे कजन जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैम आई हैव डन, मतलब मैम मैंने कर लिया है, तो ये भी तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हम आई के साथ हैव लगाते हैं और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। फॉर एग्जाम्पल नया मैं लेती हूँ, सरिता उसे जान चुकी है, सरिता सिंगुलर, सरिता हैज जानने का होता है नो, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नोन, सरिता हैज नोन हिम और हर। ठीक है, वो खेल चुके हैं, सो वो मतलब दे, मैंने बोला था शी आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव आएगा, दे हैव खेलना प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, दे हैव प्लेड गेम। ठीक है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज, आई वी यू दे के प्लूरल के साथ हैव लगेगा। अनदर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, हम खाना खा चुके हैं, तो हम मतलब वी, खा चुके हैं मतलब वी हैव, खाना का क्या होता है ईट, एट, ईटन, वी हैव ईटन द फूड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं जिसमें आप ही शी इट और के साथ हैज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, और काम जो हुआ है ना वो अभी प्रेजेंट में हुआ है लेकिन अभी थोड़ा सा हुआ है। इसकी मिसाल कैसे आएगी, कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में है के साथ, वो तो प्रेजेंट का मसला है, कोई काम आ जाए जो अभी अभी हुआ है, खा चुकी हूँ, बारिश हुई है। ठीक है, दूसरी मैं एग्जाम्पल सेट करती हूँ,
सीमा ने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है, अभी अभी काम हो गया, तो सीमा हैज धोना का वॉश वॉश्ड क्लोथ्स, तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव भी तो होते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो इनडेफिनेट है उसके भी नेगेटिव थे, इसके नेगेटिव में बस नॉट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, रूल सेम रहेंगे, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज थर्ड फॉर्म, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव के लिए बस नॉट लगेगा। उठाते हैं देखते हैं, उसने खाना नहीं खाया है, सो शी हैज नॉट ईटन द फूड, वर्ब से पहले नॉट लगा देना बस, वर्ब क्या है ईटन है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, यही तो रूल है इसके, शी हैज नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट, माँ ने कपड़े नहीं धोए हैं, तो मदर हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, ठीक है ना, मदर हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ, मदर ने कपड़े नहीं धोए हैं। गाय ने दूध नहीं दिया है, सो गाय मतलब काओ, काओ हैज नॉट गिवन मिल्क, उसने नहीं दिया, गिवन मतलब देना, इसका एफर्मेटिव होता तो काओ हैज गिवन मिल्क, इसका नेगेटिव काओ हैज नॉट गिवन मिल्क। अब नेक्स्ट है, वो बाहर खेलने जा चुके हैं, वह बाहर खेलने जा चुके हैं, तो वह मतलब दे हैव, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैव गॉन फॉर प्ले, ये हो गया इसके नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना, बस नॉट लगाना है, और हमारी जिंदगी में हद से ज्यादा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं, क्योंकि अधिकतर बातें तो ऐसी होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होती हैं। अभी अभी तो खाना खाया है, रिसेंटली आई हैव ईटन माई फूड, ठीक है ना, ईटन माई डिनर, तो इतना ये सब हम बहुत यूज करते हैं, तो ये रूल रखना जरूरी होता है। अगर अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो टेंसेस सीख लो, उसके बाद अब हमेशा की तरह इंटरोगेट सेंटेंस भी तो होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं। मैंने खाना खाया है, ये सिंपल, मैंने खाना नहीं खाया है नेगेटिव, क्या मैंने खाना खाया है ये इंटरोगेटिव, तो इसका भी सिलसिला हम देखते हैं। अब इसका रूल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हैज और हैव से, हैव और हैज से स्टार्टिंग हो जाएगी, जैसे कि उसमें इनडेफिनेट में डू और डस से स्टार्ट हो रही थी, इसमें हैव और हैज से स्टार्टिंग हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, क्या उसके कपड़े धुल चुके हैं, इसका जो एफर्मेटिव होगा तो उसका ये होगा कि हिज क्लोथ्स हैज वॉश्ड, तो इसका क्या होगा इंटरोगेटिव, हैज हिज क्लोथ्स वॉश्ड, हैज से स्टार्टिंग हो जाएगी। अगला लेते हैं, क्या वे एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसका सिंपल लूंगी, दे हैव मेट ईच अदर, इसका सिंपल हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, हैव दे मीट ईच अदर, ठीक है, रूल्स वही लगेंगे आपको, हैज और हैव का ध्यान रखना है। अगला, क्या वो खाना खा चुकी है, सो इसका अगर मैं सिंपल बनाऊंगी तो होगा शी हैज ईटन फूड, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, हैज से स्टार्ट करेंगे, हैज शी ईटन द फूड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ चुके हैं, तो सिंपल बनाओ कि मंकी हैज क्लाइंब द ट्री, क्या बंदर, सॉरी वो एक बंदर है, वो एक सिंगुलर है, मंकी हैज क्लाइंब द ट्री। अब इसका इंटरोगेटिव हैज मंकी क्लाइंब द ट्री, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब लास्ट की तरह मैं दोबारा चलती हूं, बताती हूं एग्जांपल सेट करके, स्टार्ट एफर्मेटिव में देखेंगे, शी हैज प्लेड गेम, वो गेम खेल चुकी है। इसका नेगेटिव, वो गेम नहीं खेल चुकी है, यानी शी हैज नॉट प्लेड गेम, थर्ड फॉर्म लगी है। अब इसका जो इंटरोगेटिव होगा वो ये होगा, क्या वो गेम खेल चुकी है, हैज शी प्लेड गेम, हो गई एग्जाम्पल सेट। अगला लेती हूँ कि मैंने किताब लिख ली है, ठीक है ना, तो आई हैव रिटन द बुक। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, मैंने किताब नहीं लिखी है, यानी कि आई हैव नॉट रिटन द बुक। अब इसका इंटरोगेटिव, क्या मैंने किताब लिखी है, तो हैव आई रिटन द बुक, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटन। सो ये हो गया पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके रूल्स आपको लिखने हैं, सबसे पहले सेंटेंस पकड़ो, उसके बाद उसे कन्वर्ट करो कि कौन सा टेंस लगाओगे, ठीक है।
तो इसके सेंटेंस की मिसाल क्या होगी, लास्ट में हैव लगेगा, और जो भी सेंटेंस हुआ है वो अभी अभी जो भी काम हुआ है ना वो अभी हुआ है, चाहे वो चुका है, लिया है, कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, तो यही सही होगा कि आई हैव ईटन माई फूड. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. टेबल और वर्ब अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स आना बेहद जरूरी है, वर्ब आना जरूरी है. वर्ब की सारी फॉर्म होती हैं इसके, ईट, एट, इटन, राइट, रोट, रिटन. थर्ड फॉर्म तो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है. तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. इसके क्वेश्चन आंसर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर हैं, आप वहां से उसको ले सकते हैं.